नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रस्तोगी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ शुगर केन लीफ हॉपर या पायरेला परपुसेला। सबसे पहले यह स्वघोषणा कि यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। आर्थिक, वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सामग्री के उपयोगार्थ इसे किसी और के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे और इसका उपयोग व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति के लिए ही करेंगे। इस ई कंटेंट में जो जानकारी की गई है वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली लोफोपाइडी, जीनस पायरेला, स्पीशीज परपुसिला और इसका कॉमन नेम है शुगर केन लीफ हॉपर। डिस्ट्रीब्यूशन या प्रसार, पूरे भारत वर्ष में ये कॉमन है, पाया जाता है पूरे भारत वर्ष में, लेकिन इसकी वजह से जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो उन प्रदेशों में होता है जहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ये प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में इस पेस्ट की वजह से जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो होता है शुगर बेल्ट में, जो कि है मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। इस पेस्ट के लिए जो फूड प्लांट्स हैं वो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है या मेजर फूड प्लांट है वो है शुगर केन या गन्ना। इसके अलावा ये पेस्ट मेज़, वीट, बार्ली, बाजरा, ओट्स, सॉर्गम और सूडान ग्रास जैसी फसलों को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कभी कभी ये कुछ सब्जियों पे भी पाया जाता है, जैसे कि भिंडी, करेला और गोभी, लेकिन ये हमें देखना है कि ये सब्जियां इसके लिए अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट नहीं है। जनरल अपीयरेंस में जो अडल्ट्स होते हैं पायरेला परपुसिला के, वो पेल स्ट्रॉ कलर के यानी कि भूसे के रंग के होते हैं और ये बहुत एक्टिव होते हैं। जो बॉडी लेंथ होती है वो 8 से 10 मिलीमीटर की होती है। इनका हेड या सिर का हिस्सा आगे की तरफ थोड़ा सा लंबा या प्रोलॉन्ग्ड होता है, जो कि एक स्नाउट या सुंडी के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। इनकी बहुत प्रोमिनेंट और बड़ी लाल रंग की आंखें होती हैं। एनस के पास एक पेयर वाइटिश ब्राउन एनल प्रोसेसेस होते हैं, जो कि एक सफ़ेद रंग के मोमिया पदार्थ से कवर्ड होते हैं और ये जो पदार्थ है इसकी सहायता से जो पायरेला परपुसिला है वो पत्तियों के ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आराम से अपना मूवमेंट कर सकता है। लाइफ हिस्ट्री अगर हम इसकी देखते हैं पायरेला परपुसिला की, तो ये पूरे साल प्रजनन करता है और इसकी जो फीमेल है वो छत्तों में अंडे देती हैं। 300 से 500 अंडों का एक क्लस्टर होता है, जो कि गर्मियों में पत्तियों के निचली सतह पर ये अंडे देती हैं, जबकि सर्दियों के महीनों में ये लीफ शीथ के अंदर अपने अंडे देती हैं। जो इनके अंडे होते हैं वो ओवल होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, पेल वाइट या ग्रीनिश कलर के होते हैं और ये एक सफ़ेद रंग के फिलामेंटस या धागेनुमा स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये फीमेल के एनल टफ्ट के द्वारा स्रावित होता है। अंडे जो क्लस्टर्स में अरेंज्ड होते हैं वो 3 से 5 लंबी कतारों में अरेंज्ड होते हैं और प्रत्येक कतार में 30 से 50 अंडे होते हैं। अंडों को निम्फ में बदलने में या निम्फ में डेवलप होने में गर्मियों में 7 से 22 दिन का समय लगता है, जबकि सर्दियों के महीनों में यह समय बढ़ जाता है। निम्फ को अडल्ट में बदलने में जो गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है, जबकि सर्दियों में लगभग 4 माह का समय इसको लग जाता है। निम्फ का अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो जब सबसे पहला निम्फ होता है, फर्स्ट इंस्टार निम्फ, वो लगभग 1.4 मिलीमीटर लंबा होता है, 0.6 mm उसकी चौड़ाई होती है,
बॉडी कलर ग्रीनिश वाइट होता है और आइज उसकी डार्क रेड कलर की होती हैं, और इस अवस्था में ये 7 दिन तक रहता है। इसके बाद मोल्ट होता है ये सेकेंड इंस्टार निम्फ में, जिसकी लंबाई होती है 2.1 mm और चौड़ाई होती है लगभग 0.9 mm। ये पेल वाइट से ब्राउन कलर का होता है। इसकी आंखें वाइट होती हैं और ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, जिनके अंदर काले धब्बे होते हैं, और इस अवस्था में लगभग 5 दिन तक रहता है। इसके बाद ये मोल्टिंग के बाद थर्ड इंस्टार निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका बॉडी साइज होता है लगभग 2.7 mm और ब्रेथ होती है 1.2 mm। पेल ब्राउन कलर का होता है, आंखें ग्रे ग्रीन कलर की होती हैं। इस अवस्था में ये 5 दिन तक रहता है लगभग। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है फोर्थ इंस्टार निम्फ में। फोर्थ इंस्टार निम्फ की लंबाई होती है लगभग 3.3 mm और इसकी चौड़ाई होती है 1.6 mm। ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसकी आंखें वाटरी ग्रीन कलर की होती हैं। इस अवस्था में ये लगभग 6 दिन तक रहता है, जिसके बाद ये मोल्ट करके बनाता है फिफ्थ इंस्टार निम्फ, जिसकी लंबाई होती है लगभग 5 mm, 4.9 mm, और इसकी चौड़ाई होती है 2.3 mm। इसका कलर होता है पेल टू डार्क ब्राउन और ये वाटर ग्रीन कलर का होता है। लगभग 9 दिन तक इस अवस्था में रहता है, और उसके बाद ये मोल्ट करके अडल्ट या इमेगो में तब्दील हो जाता है। निम्फ्स जो होते हैं, अगर हम इसका जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर देखें, तो डर्टी वाइट कलर के होते हैं, क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, और इनमें एनस के पास एक पेयर एनल टफ्ट्स का होता है। एनल टफ्ट की जो लंबाई होती है वो लगभग 1 mm होती है। निम्फ शुरू से ही पत्तियों से सैप या सेल सैप सक करना या चूसना शुरू कर देते हैं। 5 मोल्ट के बाद निम्फ अडल्ट्स में तब्दील होते हैं, और गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है, जबकि सर्दियों में इनको अडल्ट में कन्वर्ट होने में लगभग 4 महीने का समय लग जाता है। एक अडल्ट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 से, अडल्ट मेल का जो लाइफ स्पैन होता है 5 से 7 सप्ताह का होता है, जबकि फीमेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 से 8 सप्ताह का होता है। मॉनसून सीजन में पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो 40 से 60 दिन में ही पूरी हो जाती है। एक साल में लगभग 4 ओवरलैपिंग जेनरेशंस होती हैं पायरेला पर्पुसिला की, और ये कहना बहुत कठिन होता है कि एक जेनरेशन या पीढ़ी कब ख़त्म हुई और दूसरी कब शुरू हुई। जो एक्चुअल पीरियड है, जो कि रिकॉर्ड किया गया है एग लेइंग के लिए, फर्स्ट जेनरेशन के लिए है एग लेइंग का समय अप्रैल, सेकेंड जेनरेशन अपने अंडे देती है जून में, थर्ड जेनरेशन के अंडे दिए जाते हैं अगस्त में, और फोर्थ जेनरेशन के अंडे दिए जाते हैं नवंबर से दिसंबर में। पायरेला पर्पुसिला की वजह से जो नुकसान होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इसके निम्फ और अडल्ट दोनों ही पत्तियों से सेल सैप को सक करते हैं अपने रोस्ट्रम के द्वारा, जिसकी वजह से पत्तियां पीली होती हैं और सूख जाती हैं। साथ ही साथ जो अडल्ट हैं वो एक मीठा पदार्थ, जो बहुत चिपचिपा लिक्विड होता है, वो सिक्रीट करती हैं, जिसको आम भाषा में हनी ड्यू कहा जाता है। और ये जो मीठा चिपचिपा पदार्थ है हनी ड्यू, इसकी वजह से काफ़ी सारे हार्मफुल फंजाए जो होते हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो वापस अपनी फंगल कॉलोनी बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर काले रंग का सूटी मोल्ड, मतलब पाउडरी सा उसके ऊपर मोल्ड जमा हो जाता है, और इसकी वजह से भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसके कारण शुगर केन प्लांट में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड है वो काफ़ी हद तक रिटार्ड हो जाता है या कम हो जाता है। इस अटैक की वजह से, इस पेस्ट के अटैक की वजह से गन्ने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही बहुत नुकसान होता है, और जो सुक्रोज कंटेंट का जो लॉस है या कमी आती है उसमें 2 से 5% सुक्रोज कंटेंट में कमी आती है गन्ने में, जबकि जो टोटल रिडक्शन ऑफ शुगर है वो लगभग 35% तक हो सकता है। ये विभिन्न स्टेजेस हैं। ये यहाँ पर एक अडल्ट है, एक निम्फ है, और ये कई सारे अडल्ट हैं। यहाँ पे ये अंडे आप देख सकते हैं पत्तियों के ऊपर, और ये हनी ड्यू जो चिपचिपा पदार्थ सीक्रीट करता है, ये फंगस से अटैक्ड पत्तियां हैं जिसके ऊपर फंगस भी आ गई है इस पेस्ट के कारण। ये सूखी हुई पत्तियां आप देख सकते हैं, और ये अडल्ट है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस पेस्ट से किस प्रकार से बचा जा सकता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है,
सबसे पहले मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में एक तरीका तो ये है कि जितने भी दिखाई दे रहे हैं उनकी जो एडल्ट्स हैं या निम्फ हैं या एग्स हैं, उनको हैंड पिकिंग करी जाए हाथ से, किसी फॉर्सेप की सहायता से या हैंड नेट की सहायता से अडल्ट इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा जो थ्रैश या कूड़ा जो बचता है, जो बाकी बाद में बचता है क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद, गन्ने की कटाई के बाद इन्फेक्टेड फील्ड से जितना भी थ्रैश निकला है उसको जला दिया जाए। या फिर जो अक्टूबर में गन्ने की बुआई होती है उसकी पत्तियों को मार्च अप्रैल में, अगर उनमें अंडे हैं तो पायरेला परपुसिला के, तो उसकी पत्तियों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए और उसके बाद उनको जला दिया जाए। या फिर जो सीरियसली या हैविली इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको उखाड़ करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एग मासेस को कलेक्ट करके जला सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंट वेराइटीज़ शुगर केन की उगाई जा सकती हैं, जैसे कि CO385, और साथ ही साथ रेटून क्रॉप्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा तरीका है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में सबसे पहले जो एग मासेस हैं उनको कलेक्ट करके उनको उनके ऊपर फिनाइल वाटर स्प्रे कर सकते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसके अलावा 0.25% एंडोसल्फान या 0.025% फेनिट्रोथियोन का स्प्रे भी कर सकते हैं। जो इन्फेस्टेड क्रॉप है उसके ऊपर 5 से 10% BHC डस्ट स्प्रे की जा सकती है सितंबर और उसके आगे वाले महीनों में, या फिर 0.12% से 0.25% वेटेबल पाउडर ऑफ एगरोसाइड ये स्प्रे किया जा सकता है 30 से 60 गैलन पर एकड़ के हिसाब से, या फिर 0.05% एंड्रीन इमल्शन को स्प्रे किया जाता है 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, या 0.25 से 0.35 लीटर एंडरिन ऑफ गामा BHC को मिक्स करते हैं 10 लीटर कैरोसिन ऑयल में और उसकी फॉगिंग की जाती है क्रॉप्स के ऊपर। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हाइपर पैरासाइट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं। हाइपर पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स हैं जो किसी भी पैरासाइट या पेस्ट के ऊपर पैरासिटाइज करते हैं। तो अंडों के लिए जो हाइपर पैरासाइट है वो है टेट्रास्टाइकस पायरेली और ऑइनक्रिटस स्पीशीज, ये अंडों को पैरासिटाइज करते हैं। जबकि निम्फ्स के लिए जो हाइपर पैरासाइट्स हैं वो हैं ड्राइनस पायरेली और स्यूडोगोनाटोपस पायरेली, ये निम्फ्स के ऊपर पैरासाइट होते हैं। जबकि अडल्ट के ऊपर फीड करते हैं एपीपायरोप्स मिलानोल्यूका के कैटरपिलर या लार्वे। इस टॉपिक को तैयार करने के लिए मैंने दो बुक्स कंसल्ट की हैं। एक है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जुअलॉजी बाय GS शुक्ला एंड VB उपाध्याय, पब्लिश बाय रस्तोगी पब्लिकेशंस। दूसरी जो बुक है वो है हैंडबुक ऑन इकोनॉमिक जुअलॉजी बाय S चांद एंड कंपनी। इस बुक के ऑथर्स हैं जे एहसान एंड SP सिन्हा साहब। और इसके अलावा मैंने दो वेबसाइट्स कंसल्ट किए हैं, एक है www.nbair.res.in और दूसरा जो वेबसाइट है वो है studyandscore.com। धन्यवाद।